जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आर के सिंह ने लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित सामूहिक मतदाता शपथ समारोह में अधिकारियों को सिरसा का अभियान 100% अभियान के तहत मतदाता शपथ दिलाई गई। इसी कड़ी में लघु सचिवालय परिसर में सभी कर्मचारियों ने मतदाता की शपथ ली। मीटिंग्स में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जहाँ भी मौका मिलता है तो हम बार बार लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले 25 मई को सभी वोटर्स घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें ताकि हम सिरसा का अभियान 100% मतदान का जो स्लोगन है, जो टारगेट है, उसको हम अचीव कर सकें। भारतीय चुनाव आयोग के भी सख्त निर्देश हैं कि आप वोटर्स को मोटिवेट करो ताकि वो बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। इनमें 3 प्रकार के वोटर्स हमारे लिए विशेष हैं। वो इसलिए विशेष हैं कि वो एक तो यंग वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं जो 85 साल से ऊपर के हैं, और एक है PWD यानी कि जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं। उनको सभी को हमारी अपील है और लगातार हम उनके टच में हैं कि वो आए और अपने मत का प्रयोग करें। जो 85+ उम्र के जो लोग हैं प्लस हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए घर में ही वोट डालने का प्रावधान किया गया है और वो प्रावधान ऐसे रहेगा कि चुनाव से पहले हम उन लोगों के घर जाएंगे, उनको फॉर्म देंगे, अगर वो यस करेंगे तो हम उसके घर पे ही चुनाव से पहले एक बूथ क्रिएट करेंगे जिसको पोलिंग स्टेशन कहते हैं। एक पूरी टीम जाएगी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उसके बारे में बताया जाएगा कि आज मान लें जिले में अगर हमें 50 लेकर जाना है तो 50 लोगों के घर जाके हम उनके जो उनके मत करने का अधिकार है जो घर पे उनको पावर दी गई इलेक्शन कमीशन ने वो आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जो सिक्रेसी ऑफ वोट है उसको मेंटेन किया जाएगा क्योंकि उसके घर में ही हम पोलिंग स्टेशन यानी कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ तैयार करेंगे और उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आसपास रह सकता है, पत्रकार साथी रह सकता है, उनके घर वाले रह सकते हैं, लेकिन उस बूथ के अंदर जाके उन्होंने अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम जो जितने अन्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो डेरेज हैं हमारे, उनसे हमारी स्पेशल एक अपील है। हम बार बार किसी न किसी माध्यम से, चाहे दूरभाष के माध्यम से या वहाँ जाके उनसे हम कोशिश करते हैं कि वो अपने माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करें कि वो जाके वो उसका प्रयोग करें। जैसे पता है आपको आने वाले 25 मई को